सब्सक्राइब कर दीजिए ग्राहक पॉइंट को और बेल आइकन को दबाइए इसी तरह के ग्राहक से जुड़े वीडियोस देखने के लिए। हेलो गाइस, ग्राहक पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित बर्मन। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं एक रियलमी का ईयरबड, और इस मॉडल का नाम ही रियलमी ईयरबड 2 नियो। ये नियो है, ईयरबड 2 नहीं है, तो ये नियो है। और ये गाइस, ये मैंने वेले बाज़ार से लिया है। वेले बाज़ार से कुछ दिनों से शॉपिंग कर रहा हूँ, अच्छा सामान आता है यहाँ पर, ओरिजिनल प्रोडक्ट आता है। तो देखना ये कि ये भी ओरिजिनल है कि नहीं है। और ये मैंने लिया है 250 रुपीज़ में गाइस, 250 रुपीज़ में रियलमी ईयरबड 2 नियो कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर वेले बाज़ार पे था, तो यहाँ पर मैंने यहाँ से 250 रुपीज़ में ये लिया है। चलिए खोल कर देख लेते हैं ये जो है ओरिजिनल है क्या नहीं है। 250 रुपीज़ में अगर ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल गया तो सबसे सस्ता वाला वेबसाइट यही होगा वेले बाज़ार, जहाँ से मैंने बहुत सारा सामान और भी लिया है जो कि काफ़ी सस्ते में मिला है, ब्रांडेड सामान है। चलिए खोल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर पैकेट ये रहा, और पैकेट देखकर तो ओरिजिनल लग रहा है, और यहाँ पर और कुछ नहीं है। ये रहा हमारा Realme Earbuds 2 Neo। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये Realme Earbuds 2 का बॉक्स जो है वो थोड़ा यहाँ पर ख़राब है, यहाँ पर डैमेज लग रहा है, लगता है किसी ने यूज़ किया है करके रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पर इसका कंडीशन कुछ इस तरह है। यहाँ पर MRP हम देख लेते हैं, इसका MRP जो देख सकते हैं ये 599 रुपीज़ का दिखा रहा है, और ये नॉर्मली आपको ऑनलाइन में अमेज़ोन या फिर फ्लिपकार्ट में आपको 500 में मिल जाएगा 499 में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सस्ता था। तो चलिए पैकेज का कंडीशन तो कुछ खास नहीं है, चलिए इसको खोल लेते हैं। लेकिन ये गाइस देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से खुला हुआ है, तो यहाँ से हम खोलते हैं, देखते हैं कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ओरिजिनली दिख रहा है और लग तो रहा है, लेकिन यहाँ पर गाइस बॉक्स के अंदर कोई भी ईयर टिप्स नहीं मिलता है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ ईयरबड ही है, और ये यूज़ किया गया है, रिफर्बिश होता होगा। तो ये है इसका, और गाइस यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है ये किसी ने यूज़ किया होगा उसके बाद रिटर्न कर दिया, और तो यहाँ पर इसका कंडीशन देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि ये यूज्ड प्रोडक्ट है और इसको यूज़ करके ही भेजा गया है। बाकी ये यूज प्रोडक्ट होने से भी अच्छा कंडीशन में, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, इसका जो ईयर टिप्स है वो नहीं है यहाँ पर, लेकिन भी चल जाएगा। और यहाँ पर जो है ये है ब्लैक कलर है, और ये देख सकते हैं टेंगल वाला होता है, सॉरी ये जो है ये टी शेप का ये डिज़ाइन होता है इसका। इसमें क्या होता है कि आपका ये जो जल्दी ख़राब नहीं होता है ये पॉइंट से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर माइक मिल जाता है आपको, प्रोडक्ट ओरिजिनल है अच्छा लगा मुझे, बाकी रिफर्बिश्ड है ये, न्यू नहीं है। और ये देख सकते हैं ये मल्टी फंक्शन बटन है, यहाँ पर आप जब कॉल आएगा तो यहाँ पर सिंगल टैप करने पर कॉल रिसीव होगा, और 2 सेकेंड तक अगर आप इसको दबा के रखेंगे कॉल कट जाएगा, और इसको आप अगर प्ले म्यूज़िक प्ले करने पर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर सिंगल क्लिक पे ये बंद हो जाएगा, सॉन्ग प्ले या पॉज होगा, और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। और यहाँ पर ये जो ईयरबड्स है ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है, और इसका जो केबल है ये केबल क्वालिटी कुछ खास नहीं है गाइस, यहाँ पर इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर इससे थोड़ा महंगा था, लेकिन 300 समथिंग था, लेकिन उसका जो ब्रेडेड केबल था बोट का वो काफ़ी अच्छा था इसका मुकाबले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर बैंड पड़ रहा है, तो ये मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा दिन लास्टिंग करने वाला है, लेकिन ये काम करता है कि नहीं वो देख लेते हैं, पहले साउंड क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं, बेस वगैरह चेक करते हैं। गाइस यहाँ पर मैंने इसका जो साउंड टेस्ट है इस रियलमी ईयरबड्स 2 नियो का साउंड टेस्ट कर लिया है, और यहाँ पर मैं बता दूँ यहाँ पर 11.1 mm का जो ड्राइवर लगा हुआ है ये थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था वो मुझे बेस्ट नहीं लगा इसमें भी। हालांकि जो ज़्यादा सुनते होंगे उसको ज़्यादा पता होगा, लेकिन ओवरऑल मैं देखूँ तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ईयरफोन यूज़ किया है अलग अलग कंपनी के, तो यहाँ पर जो बोट और रियलमी का जो ईयरफोन है उनके तरह ही है ये भी, तो यहाँ पर कुछ खास तो एक्स्ट्रा बेस मुझे देखने को नहीं मिला, मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली बोलने से, तो ये है। और इसमें जो है एक प्रॉब्लम मुझे दिखा है, इसका माइक जो है इसमें आपका जो बैकग्राउंड साउंड है वो कैंसिल करता है, इवन आपका जो सामने में साउंड है वो भी
लो आता है, यानी ये जो यूज़ सामान है इसलिए शायद ऐसा होता होगा। नया वाला में तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ में माइक का प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर देखने को मिला है, और ये थोड़ा ओल्ड है, और यहाँ पर मुझे कंपनी ने ऐप पर मुझे ऐसा तो नहीं लिखा था रिफर्बिश्ड है बोलकर, तो इसलिए इसको मैं रिटर्न करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर माइक का प्रॉब्लम है। और ये जो है माइक के सामने जो वायर लॉक है वो ज़्यादा कुछ खास कंडीशन में नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं ये जो है यहाँ पर ये जो बैंड हो चुका है, ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं करेगा ऐसा लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है। नया वाला आता है तो अच्छी बात है, रिफंड होता है तो अच्छी बात है। और भी सो गाइस, साउंड क्वालिटी तो अच्छा था, बेस भी ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे कि बता रहा था अदर यूट्यूब चैनल पर, तो वैसा नहीं है। साउंड क्वालिटी भी ठीक है, बेस भी ठीक ही है, लेकिन थोड़ा पुराना है इसलिए माइक प्रॉब्लम बोल के मुझे इसे रिटर्न करना पड़ रहा है। हालांकि 250 रुपीज़ में रिफर्बिश्ड आइटम भी अच्छा होगा, लेकिन ये माइक का प्रॉब्लम है बोलकर मैं इसको रिटर्न करने जा रहा हूँ गाइस। सो देखते हैं उसमें नया वाला सामान आता है कि नहीं आता है रिप्लेस करने पर। सो गाइस, आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और जितने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर मुझे फॉलो कर दीजिएगा, सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।